पश्चात कर्म ऑफ विरेचन. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर परिहार विषय एंड संसर्जन क्रम. नमस्कार, आई एम डॉक्टर सोनिका नड्डा. लेट्स मूव टुवर्ड द स्क्रीन. इन पश्चात कर्मा ऑफ विरेचन, दीज आर द टू टॉपिक, परिहार विषय एंड संसर्जन क्रमा. परिहार विषय जो है, मैं बहुत डिटेल में अलग से क्लास ले चुकी हूँ. इसका वीडियो ऑलरेडी पंचकर्मा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एंड आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो. इफ यू रियली वॉन्ट टू नो इन डिटेल अबाउट परिहार विषय, हाउ इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट अफेक्ट इफ वी डोंट फॉलो इट, देन यू कैन गो थ्रू द होल video. That is around 10 minute class and you can go through that. In today's class बहुत शॉर्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. सो परिहार विषय वो सारे प्रिकॉशंस हैं जो ड्यूरिंग द स्नेहपान, ड्यूरिंग प्रधान कर्म मतलब विरेचन के दौरान, और इवन पश्चात कर्म में भी जब संसर्जन क्रम चल रहा होगा उस दौरान भी पेशेंट को स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है और आपने एडवाइस करना है. जैसे कि लाउड स्पीच, एक बहुत ज़ोर से बात करना, बहुत देर तक फ़ोन पे बात करना, ये सब आपने मना करना है. सिटिंग इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक जगह बैठे नहीं रहना है. थोड़ा सा पेशेंट मूव कर सकता है घर के अंदर और नियर बाय गार्डन. एक जगह खड़े नहीं रहना है, कॉन्टिन्यूस स्टैंडिंग एडवाइस नहीं है. लॉन्ग वॉक एडवाइस नहीं है. व्हीकल राइडिंग और ज़्यादा देर तक गाड़ी चलाना भी अवॉइड करना है. एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, कोल्ड वाटर एंड कोल्ड बाथ should be strictly prohibited. Exposure to heat, exposure to rain, exposure to wind. बहुत लंबी जर्नी पे एडवाइस नहीं किया जाता है. रात को नींद अच्छी होनी चाहिए. There should not be any lack of sleep and suppression of any urge. So ये जो precautions हैं, ये सारे परिहार विषय हैं. मतलब ये precautions आपको पेशेंट को अच्छे से बतानी है, अच्छे से समझानी है, ताकि पेशेंट्स इनको पेशेंट अच्छे से फॉलो करें और उसको मैक्सिमम बेनिफिट जो है आपकी ट्रीटमेंट का मिल सके. राइट. सो नेक्स्ट जो है संसर्जन क्रमा. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पश्चात क्रमा, बिकॉज जब आप अपने पेशेंट को एक जर्नी में लेके जा रहे हैं, वो स्नेहपान कर रहा है, फिर बाह्य स्नेहन हो रहा है, देन देर इज़ अ विरेचन. उसके बाद अब आज जो हमने जैसे प्रधान कर्म में देखा कि पूरा शाम तक विरेचन जो है कंप्लीट हो जाता है. सो नेक्स्ट क्या स्टेप है? तो नेक्स्ट स्टेप है संसर्जन क्रमा. अगर पेशेंट की शुद्धि अच्छे से हो चुकी है तो आप पेशेंट का शाम को ही संसर्जन क्रम स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब पेय जो है आप एडवाइस कर सकते हैं. और अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ी सी अशुद्धि वाली कंडीशंस है तो नेक्स्ट मॉर्निंग से जो है संसर्जन क्रम स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा आचार्य बताते हैं. पर्पस इसका ये है, क्या होता है कि जब आप शोधन करवाते हैं तो अग्नि जो है जठराग्नि, धातु अग्नि जो बताई गई है, वो वीक हो जाती है और उसको एक नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए संसर्जन क्रम फॉलो करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज शोधन के दौरान आप यू कैन नॉट एडवाइज द नॉर्मल डाइट. पेशेंट इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट बिकॉज द अग्नि इज रियली वीक. सो यही कारण है कि संसर्जन क्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शोधन के बाद. आप इस ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पूर्व कर्म है और प्रधान कर्म है. इसको भी वी कैन नॉट स्किप दिस पार्ट. राइट. Usually what happen जब woman कराया जाता है तो समान वायु और क्लेदक कफ का बहुत important role होता है पूरा task को complete करने के लिए. और विरेचन में समान वायु और पाचक पित्त का और अपान वायु का role play होता है. तो उन सबको normal state में लाने के लिए भी संसर्जन क्रम follow करना बहुत important बन जाता है. शोधन जब किया जाता है, यहाँ शोधन से मेरा मतलब दोनों विरेचन और वमन से है, बिकॉज ये संसर्जन क्रम दोनों में ही प्रोसीजर्स के बाद इसी तरीके से फॉलो किया जाता है. ऐसा नहीं है कि वमन में डिफरेंट संसर्जन क्रम होगा और विरेचन में डिफरेंट होगा. दिस इज द सेम थिंग. सो शोधन के दौरान थोड़ा वीकनेस महसूस किया जा सकता है, वेट लॉस होता है और अग्नि जो है कम हो जाती है और पेशेंट जो है इज नॉट एबल टू हैंडल द नॉर्मल. आप यू कैन नॉट स्टार्ट यू द नेक्स्ट डे से रोटी और सब्जी खाना. सो दिस इज स्टेप्स टू फॉलो. ओके, व्हेन टू स्टार्ट
when samyak shuddhi occurs, samsarjana krama may be started on the same day. But if little ashuddhi is there, then samsarjana krama can be started from the next day morning. No problem. और संसर्जन क्रम कितने दिन करना है, 3 दिन करना है, 5 दिन करना है या 7 दिन करना है, ये ऑल डिपेंड करता है लेवल ऑफ शुद्धि, किस लेवल की प्योरिफिकेशन हुई है. ठीक है, क्योंकि प्योरिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज अवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि एंड प्रवर शुद्धि. तो हमने देखना है कि जहाँ अवर शुद्धि है वहाँ पे 3 दिन जो है संसर्जन क्रम एडवाइस करना है, जहाँ मध्यम शुद्धि है 5 दिन और प्रवर शुद्धि में 7 दिन जो है एडवाइस किया जाता है. अवर शुद्धि का जो कैसे इसको हम असेस करते हैं, वेग के अकॉर्डिंग और लक्षणों के अकॉर्डिंग. जैसे विरेचन अभी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो विरेचन में अगर पेशेंट को प्रधान कर्म के दौरान 10 वेग जो है 10 वेग्स के मोशंस पास होते हैं तो दैट इज अवर शुद्धि. अगर 20 होते हैं तो मध्यम शुद्धि है और 30 होते हैं तो प्रवर शुद्धि है. तो लेस हम यहाँ पे देखिए एज्यूम करते हैं कि किसी पेशेंट के सबके सम्यक विरेचन लक्षण जो आपको मिल जाते हैं और उसके साथ जो है मध्यम 20 वेग जो है या 18 से 20 वेग जो है पेशेंट जो है पास करता है, तो हमने वहाँ पे 5 दिन जो है संसर्जन क्रम पेशेंट को एडवाइस करना. संसर्जन क्रम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 लेवल पे इसको समझा जाता है, जैसे पेयादि क्रम, तर्पणादि क्रम एंड रस संसर्जना. जो ज़्यादातर कॉमन प्रैक्टिस में है वो पेयादि क्रम और तर्पणादि क्रम है. रस संसर्जना को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि कौन सा टेस्ट वाला फूड जो है हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं, दोषों को एक अपने आगे समझ के कि किस दोष को आपने टारगेट करना है, किसको बैलेंस करना है, उसके अकॉर्डिंग जो आप फूड आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से रस का वो है. चलो इसको एक एक बार हम यहाँ समझेंगे. जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि. अवर शुद्धि में हम जो है 3 दिन संसर्जन क्रम बताएंगे, मध्यम शुद्धि में 5 दिन बताएंगे और प्रवर शुद्धि में 7 दिन बताएंगे. और इसमें अनकाल का मतलब है टाइम, कौन से टाइम, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम जो है खाना बताया गया है शोधन के बाद. तो लेट्स जो आपके पेशेंट को 10 वेग आए हैं, अवर शुद्धि उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो ये दिन है 1, 2, 3, तो 3 दिन, तीसरे दिन शाम को हम उन्हें उसको नॉर्मल डाइट दे देनी है. तो जो फर्स्ट डे मॉर्निंग में, तो दिस इज द डे 1 मॉर्निंग में, व्हाट वी डिड द शोधन, फॉर एग्जांपल विरेचन. शाम को हमने उसको पेय दिया है और अगले दिन सुबह विलेपी, और सेकंड डे को शाम को कृत अकृत यूष दे सकते हैं. थर्ड डे मॉर्निंग में कृत अकृत मांस रस जो एडवाइस किया गया है, और थर्ड डे शाम को जो है नॉर्मल डाइट जो है पेशेंट को आपने एडवाइस कर देनी है. वैसे ही मध्यम शुद्धि में जहाँ पे हमने सिर्फ एक बार दिया वो 2 बार हो जाएगा, विलेपी जहाँ पे एक बार दिया वो 2 बार हो जाएगा, और अकृत अकृत युष जहाँ पे हमने 1 बार दिया वो 2 बार हो जाएगा. और अगर प्रवर शुद्धि है वहाँ पे वही पेय जो है हमने 3 मील्स में देना है, मतलब उस दिन शाम को, अगले दिन सुबह और शाम को, फिर विलेपी जो है थर्ड डे से स्टार्ट होगा. 3 अनकाल में हमने विलेपी जो है पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है. इसी प्रकार जो है 7 दिन तक, 7वें दिन शाम को उसका नॉर्मल फूड जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा. आप इस पूरे चार्ट को नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए. यू कैन स्टॉप द वीडियो हियर एंड नोट डाउन द होल थिंग. अब हम देख रहे हैं पहला जो हमने पहले शाम को दिया था, दैट इज विलेपी. सो विलेपी दिस इज सॉरी दैट इज पेय, देन दिस इज विलेपी. यू कैन सी द पिक्चर्स हियर, सी द कंसिस्टेंसी. सी ऐसा नहीं है शाम को यू कैन नॉट गिव द खिचड़ी, जैसे खिचड़ी बना के आपने पेशेंट को दे दिया, नो, इट शुड बी पेय ओनली. पेय इज वेरी लिक्विडी, जिसमें टोटली जो आप चावल डाल रहे हो पूरी तरह जो है मैस्ड अप, पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, देर इज सो मच वाटर इन दैट. लेट्स अंडरस्टैंड. पेयम इज पेय, टेक 1 पोर्शन ऑफ द राइस एंड 14 टाइम ऑफ द वाटर आपने उसमें डालना है. ठीक है, 14 टाइम ज़्यादा पानी में उसको अच्छे से पकाया जाता है, और इस तरह से पकाना है कि राइस जो है एकदम से डिसॉल्व हो जाते हैं. लेकिन विलेपी में हमने इसमें 4 टाइम्स वाटर में कुक करना है, विच इज द सेकेंड डाइट. ओके, सो यू कैन सी हियर. देन अकृतयुषा एंड कृतयुषा. अकृतयुष का मतलब है जिसमें ना नमक है ना आपका स्नेह है, मतलब घी है. कृतयुष का मतलब है जिसमें थोड़ा सा नमक भी है और थोड़ा सा स्नेह भी है, जिसको हम बोलते हैं हल्की सी छोंक लगा सकते हैं मिनिमम,
ओके सो दैट इज द कृत एंड अकृत एंड कृतयुष. अकृत मीन्स नो सॉल्ट, नो लवणा एंड नो स्नेह. कृतयुषा मीन्स देर इज ए लवणा एंड स्नेहा इज प्रेजेंट. सो यूष्म में हम 6 टाइम वाटर ऐड करते हैं और पल्स भी हम उसमें डालते हैं. मूंग की जो दाल है वो एडवाइस की गई है. यू कैन सी हियर द पिक्चर. ओके एंड सेम मांस रसा में भी इफ यू आर एडवाइजिंग द मांस रसा देन इट शुड बी टोटली वाटरी. इट्स लाइक अ चिकन सूप यू हैव टू एडवाइज. देर शुड नॉट बी एनी हार्ड पार्ट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. बट इन प्रैक्टिस मोर वेजिटेरियन थिंग इज एडवाइज बिकॉज दैट इज मोर एक्सेप्टेबल बाई द पेशेंट्स आफ्टर द शोधना. ओके सो नेक्स्ट इज तर्पणादि क्रम. अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि हम कब संसर्जन क्रम करें, हम कब पे आदि क्रम को फॉलो करें या तर्पणादि क्रम को फॉलो करें. तो तर्पणादि क्रम स्पेशली तब एडवाइस किया गया है जब पेशेंट जो है टिपिकली आपका वात और पित्त प्रकृति का है. अल्कोहलिक पेशेंट में स्पेशली ये एडवाइस किया जाता है. और शोधन जो हुआ है वो बहुत कम हुआ है और पेशेंट विद इंक्रीज्ड कफा एंड पित्त दोषा. सो इन कंडीशंस में जो है तर्पणादि क्रम एडवाइस किया गया है. सो इसमें हम क्या क्या एडवाइस करते हैं. लाजा सत्तू. लाजा जो होती है वो खील पुराने पफ्ड राइस जिसको हम समझते हैं. वी नो ऑल दैट पफ्ड राइस दैट इज़ अ लाजा. उसका सत्तू बनाया जाता है. उसको अच्छे से पहले लाजा को अच्छे से भून लीजिए फिर उसको पीस लीजिए फिर उसको कुक करिए. सो दैट इज़ द फर्स्ट मील यू हैव टू गिव इन द इवनिंग. ओके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है आपने सेकेंड मील जीर्णशाली औदना मतलब जो पुराने चावलों का जो है अच्छे से पका हुआ पका के आपने उसको सेकेंड मील में देना है. और थर्ड मील में बताया है मांस रस औदना मतलब चावलों को मांस रस के साथ जो है पका के आपने देना है. इस चीज़ ये जो 3 मील्स हैं तर्पणादि क्रम के अंदर आचार्य ने मेंशन किए हैं. थर्ड जो है रस संसर्जन क्रम. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एज देयर इज अ चांस ऑफ दोषा विशेषण ड्यूरिंग द संसर्जन क्रम आल्सो ड्यू टू वीक अग्नि. सो इफ वी अरेंज टेस्ट इन दिस सीक्वेंस देन चांसेस ऑफ दोषा प्रोवोकेशन विल बी लेस. इस संसर्जन क्रम का मेन मतलब ये है कि इसमें एक प्रॉपर तरीके से कौन सा टेस्ट पहले इंट्रोड्यूस करना है वो बताया गया है दोषों को अपने ध्यान में रखते हुए ताकि उस दोष को हम अच्छे से बैलेंस कर सकें. अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक मीठा खट्टा और थोड़ा सा स्नेह जो है पहले देना है. ठीक है टू पेसिफाई द वाता पित्ता एंड टू बैलेंस द अग्नि. नंबर 2 टू पेसिफाई वाता सिचुएटेड इन पकवाशा. ये पॉइंट जो है दिमाग में रख के वात को और पित्त को दिमाग में रख के आप जो पहले जो पहला जो रस एडवाइस करेंगे सेकेंड फर्स्ट डे से नेक्स्ट डे से मतलब जैसे आज विरेचन हुआ है तो नेक्स्ट डे से तो स्वीट सॉर अनचुअस थोड़ा सा उसको स्निग्ध करेंगे हल्का सा और स्वीट और सॉर टेस्ट आप जो है एडवाइस कर सकते हैं. मेरी प्रैक्टिस में बेस्ट मैं पेशेंट को एडवाइस कर देती हूँ अनार का जूस पोमेग्रेनेट का जूस जो है वो एक बार घर में बना के ले सकते हैं विच इज स्वीट ऑल्सो सॉर ऑल्सो एंड इजिली एक्सेप्टेबल. सेकेंड डे जो है स्वीट सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट बताया गया है टू इंक्रीज द अग्नि बला टू पेसिफाई वाता कफा एंड टू किंडल द अग्नि अबव नाभि. नाभि के ऊपर अग्नि को किंडल करने के लिए ये टेस्ट जो है सेकेंड दिन में बताए गए अंडर रस संसर्जन क्रम. थर्ड जो है स्वीट एंड बीटर बताया गया है थर्ड टेस्ट जो आपने इंट्रोड्यूस करना है टू पेसिफाई पित्ता एंड टू पेसिफाई द वाता. ओके सो बेनिफिट ऑफ संसर्जन क्रम क्यों करना है. द फर्स्ट बेनिफिट है हमने अग्नि को नॉर्मलाइज करना है वायु को नॉर्मलाइज करना है इसीलिए इसको करना है. सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन स्टेप बाय स्टेप टू वीकन टिश्यू ड्यू टू द शोधन प्रोसेस. देखिए पहले हमने दीपन पाचन किया फिर हमने 5 दिन तक स्नेह पान किया फिर हमने शोधन किया. हम पूरे जो उसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है बॉडी का डाइजेशन का और जो उसको हमने पूरा एक सर्टन वे में शिफ्ट कर दिया है. अब उसको सडनली इट विल बी अ शॉक टू अ बॉडी अगर उसको हम एकदम से ही नॉर्मल फूड इंट्रोड्यूस कर दें. ओके स्टेप बाई स्टेप जो है नॉर्मल खाने तक उसको बॉडी को लेके आना है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो बाई दिस ऑल द टेस्ट कैन बी सर्व थ्रू द 12 मील्स इसलिए जरूरी है. अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता सूत्र स्थान 20th chapter इफ वन डोंट फॉलो द संसर्जन क्रमा देन ही एंड से मे फेस डिजीज लाइक. अगर संसर्जन क्रम नहीं फॉलो किया जाता है तो काश्यप संहिता में बताया गया है कि पेशेंट मे फेस दीज प्रॉब्लम्स लाइक अतिसार हिक्का कुष्ठ रोग
कर्ण रोग, पांडु रोग, कामला, आम दोष एंड ज्वरा मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है आम दोष को. कुछ इफ रियली पीपल डोंट फॉलो इट देन दे विल बी द आमा इन द बॉडी बिकॉज देर इज नॉट इनफ अग्नि राइट. एंड इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग हैवी फूड देन दे डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट सो मच डिस्कम्फर्ट एंड दे विल बी आमा फॉर्मेशन. अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, जब हम विरेचन करते हैं तो शाम को जैसी 5-6 बजते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है एंड वहाँ पे कोई भी ऐसे लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि अग्नि जो है मंद है. ऐसा लगता है कि कुछ भी खाने को दे दीजिए बस इट्स गोइंग टू डाइजेस्ट. सो वी नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट बिकॉज दैट इज जस्ट फॉर अ मोमेंट. That is not a actually, you know, atikshna agni. So, us time we have to be careful. We should not give any food, any something which is really difficult to digest. Okay, so we have to kindle the agni step by step. That is according to Acharya Shushrut also. He told with the small fire only, slowly we can blow up the to a large extent. So that all the steps we need to follow. Okay. So in today's class we discussed about parihara vishya. Those are all the precautions we need to follow during and after the virechan, before, during and after the virechan process, and samsarjana krama. Samsarjana kramas are the step by step introducing the diet to regain the pranic energy, to regain the jatra agni and dhatu agni. So don't forget to subscribe the channel, share, like and leave a comment because this all is free. Thank you so much. I really appreciate your attention. So you can visit my Instagram drsonika.3 and my website also. Thank you so much. See you in the next class.